दोस्तों ये कहानी है गुलाम भारत की। जब देश में हर तरफ शोषण हो रहा था तब ब्रिटिश हुकूमत में मिल्क फार्मर्स के हालात भी बेहद खराब थे, क्योंकि जो किसान दूध की पैदावार करके देश भर में दूध की सप्लाई करते थे या डेयरी प्रोडक्ट के लिए दूध की सप्लाई करते थे, उनकी हालत सिर्फ इस देश में खराब हो चली थी क्योंकि मिल्क मार्केटिंग सिस्टम ने उस समय किसानों को बर्बाद करने की ठान ली थी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पूरे सिस्टम को बिचौलिए कंट्रोल करते थे। होता ये था कि बिचौलिए बेहद कम कीमत पर किसानों से दूध लेते और ज्यादा कीमत में कंपनीज और बड़े व्यापारियों को बेचते थे, इन्हें भारी मुनाफा होता। ऐसे में सिस्टम में फंसना किसान की मजबूरी थी क्योंकि इसे दूध बेचना होता था, क्योंकि दूध एक जल्दी खराब होने वाला आइटम था, इसलिए जो भी आधा दाम उन्हें बिचौलिए दे देते वो किसान रख लेते थे। अब इसी सिस्टम में सामने आता है गुजरात का खेड़ा जिला, क्योंकि यहाँ के किसान भी इस समस्या से खासे परेशान थे। क्योंकि परेशानी 1945 में तब और बढ़ गई जब बॉम्बे की सरकार ने बॉम्बे मिल्क स्कीम शुरू की। ये स्कीम दूध का इलाका कहे जाने वाले गुजरात के खेड़ा जिले को दिमाग में रखकर बनाई गई थी। वहीं बॉम्बे खेड़ा से तकरीबन 420 किलोमीटर दूर था। ऐसे में कहा गया कि दूध को पहले खेड़ा में ही पाश्चराइज किया जाएगा, फिर मुंबई लाया जाएगा। लेकिन अभी भी किसानों की दिक्कत खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अभी भी दूध बिचौलियों को ही कंपनी तक ले जाना था, यानी उन्हें आधे दाम ही मिलते। कई महीनों तक ऐसे ही चलता रहा। चूंकि ये बात गुजरात की थी और उस वक्त देश के सबसे बड़े नेताओं में शुमार सरदार पटेल किसानों की समस्याओं को सुलझाने के लिए भी जाने जाते थे, ऐसे में ये बात उन तक पहुंच गई, जिसके बाद उनका मशवरा था कि किसान खुद की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लें और वो तब तक दूध की सप्लाई ना करें जब तक कि सरकार उनकी बात ना मान ले। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, और वो ये कि क्या ब्रिटिश सरकार किसानों को कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की परमिशन देगी। अब अगर सोसाइटी बन भी जाती तो फिर उसके साथ क्या करना होता। इस बात को समझाने के लिए सरदार पटेल की कहने पर 4 जनवरी 1946 को मुरारजी देसाई खेड़ा गए, जहां उन्होंने किसानों की एक मीटिंग बुलाई और कहा कि हर जिले के 4 गांव में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी और जिले में किसानों की ही बड़ी यूनियन होगी। गांव की कोऑपरेटिव सोसाइटी दूध इकट्ठा करके यूनियन को देगी और तो और यूनियन के पास अपना दूध का प्लांट होगा। ऐसे में सरकार को दूध लेने के लिए इस यूनियन से एक समझौता करना पड़ेगा। अगर सरकार ऐसा नहीं करती तो किसान स्ट्राइक करेंगे और किसी भी बिचौलिए को दूध नहीं देंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने किसानों की बात नहीं मानी और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की इजाजत भी नहीं दी। फिर क्या था, स्ट्राइक शुरू हो गई। 15 दिनों तक खेड़ा जिले से दूध की एक भी बूंद बॉम्बे नहीं पहुंची, जो कि बॉम्बे में दूध सप्लाई का जरिया था। आखिरकार बॉम्बे मिल्क स्कीम से जुड़े अंग्रेजी अफसरों को झुकना पड़ा और उन्होंने किसानों की डिमांड मान ली, जिसके बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी। इस सोसाइटी को आधिकारिक रूप से 14 दिसंबर 1946 को रजिस्टर किया गया। सोसाइटी ने जून 1948 से अपने प्लांट में दूध पाश्चराइज का काम करना शुरू किया। उस समय महज 2 गांव के किसान 250 लीटर दूध ही ला पाते थे, लेकिन अगले 6 महीनों में ही कोऑपरेटिव सोसाइटी से 400 से ज्यादा किसान जुड़े और करीब 4000 लीटर दूध इकट्ठा होने लगा। लेकिन अभी अमूल की कहानी शुरू होनी बाकी है, क्योंकि 1949 में उन किसानों की मदद के लिए एक इंसान ऐसा मसीहे के रूप में आया जिसने ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में सफेद क्रांति ला दी। उसका नाम था वर्गीज कुरियन। वर्गीज गुजरात के खेड़ा इलाके में पहुंचता है। खेड़ा में सरकार ने मक्खन निकालने का कारखाना यानी क्रीमरी खोली थी, जिसमें उन्हें बतौर डेयरी इंजीनियर भेजा गया था। इंजीनियर साहब साल भर पहले ही अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए थे, जिसमें डेयरी इंजीनियरिंग भी था। पढ़ाई सरकारी स्कॉलरशिप पर थी, इसलिए सरकारी शर्त के तहत उन्हें करीब 3 साल सरकारी संस्था में काम करना पड़ता था। खेड़ा पहुंचकर कुरियन की मुलाकात किसान नेता त्रिभुवन दास पटेल से हुई। कोऑपरेटिव डेयरी के कई मामलों में कुरियन उनकी मदद करते रहे। 1949 में किसानों की कोऑपरेटिव डेयरी में एक नया प्लांट लगाने में भी उन्होंने मदद की थी। हालांकि वर्गीज कुरियन का खेड़ा में मन नहीं लग रहा था। उन्होंने सरकार से कई बार उन्हें किसी शहर में पोस्टिंग देने की गुजारिश की। 1949 के अंत तक सरकार ने उनकी मांग मान ली। वे खेड़ा से जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन जब ये बात त्रिभुवन दास पटेल को पता लगी तो वे किसानों के साथ तुरंत वर्गीज कुरियन के पास पहुंचे और उन्होंने ये कहा कि आपके बिना कोऑपरेटिव सोसाइटी डेयरी नहीं चला पाएगी। किसान कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें एक पढ़े लिखे मैनेजर की जरूरत है। वर्गीज कुरियन ने काफी विचार विमर्श के बाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन के साथ जुड़ने का फैसला कर लिया और 1 जनवरी 1950 को उन्होंने इसे बतौर मैनेजर ज्वाइन कर लिया। मैनेजर के रूप में वर्गीज कुरियन के सामने सबसे बड़ी चुनौती दूध उत्पादन किसानों की बढ़ती संख्या थी।
इतना ज्यादा दूध खेड़ा की कोऑपरेटिव डेयरी के पास आने लगा था जिसे बॉम्बे मिल्क स्कीम कंपनी खपा नहीं पा रही थी। सर्दियों में समस्या और बढ़ जाती, तब भैंसे तकरीबन दो गुना दूध देने लगती। कुरियन ने इसे लेकर अमेरिका में अपने साथ पढ़ने वाले एक डेयरी इंजीनियर HM दलाया से मदद मांगी। उस समय तक यूरोप और न्यूजीलैंड में अधिक दूध होने पर उसे खपाने के लिए मिल्क पाउडर बनाया जाता था। यूरोप और न्यूजीलैंड वालों का कहना था कि केवल गाय के दूध का ही पाउडर कंडेंस मिल्क बन सकता है, लेकिन कुरियन और दलाया ने भैंस के दूध से स्किम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाकर दुनिया को चौंका दिया। अब कोऑपरेटिव डेयरी दूध का पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाकर बेचने लगी, यानी सारा दूध खपने लगा। कोऑपरेटिव डेयरी के अब तीन पिलर थे, वर्गीज कुरियन, HM दलाया और त्रिभुवन दास पटेल, और इन तीनों की देखरेख में डेयरी लगातार विस्तार कर रही थी। अब मक्खन और क्रीम से लेकर पनीर तक बनाया जाने लगा था। 1955 में कोऑपरेटिव डेयरी का ब्रांड नेम रखने की बारी आई तो डॉक्टर कुरियन ने इसका नाम अमूल रखा। इसका पूरा नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आनंद इसलिए क्योंकि खेड़ा के जिस हिस्से में वो प्लांट था उसे आनंद के नाम से ही जाना जाता था। इसके बाद खेड़ा में अमूल की मॉडर्न डेयरी एस्टेब्लिश की गई जिसने मार्केट के सभी प्लेयर्स को पीछे छोड़ दिया। 1956 में अमूल रोजाना 1,00,000 लीटर दूध प्रोड्यूस करने लगा। अब गुजरात से अमूल का उत्पाद अन्य राज्यों में भी जाने लगा। जब दूध बढ़ने लगा तो वर्गीज कुरियन ने जानवरों के चारे के लिए खेड़ा में एक प्लांट लगाने की घोषणा की। 1964 में प्लांट बनकर तैयार हुआ और तो और देश के उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इनका इनॉग्रेशन करने पहुंचे। इस दौरान खेड़ा के किसानों का रहन सहन देख कर वो हैरान थे। तब शास्त्री ने गांव वालों से पूछा कि उन्होंने इस गांव जैसा खुशहाल गांव नहीं देखा। तो इस बात के जवाब में किसानों ने प्रधानमंत्री को बताया कि वर्गीज कुरियन का वर्क मॉडल इसकी वजह है। अमूल को हजारों मिल्क प्रोड्यूस करने वाले किसानों ने शुरू किया है और वो ही उसके मालिक हैं। बिचौलिया का कोई चक्कर है ही नहीं। इस वजह से दूध की बाजार में जो कीमत है उसका 80% तक हिस्सा उनकी जेब में ही जाता है, जिसे सुनकर शास्त्री जी काफी इम्प्रेस हुए। अब वो ही चाहते थे कि अमूल का ये मॉडल पूरे देश में लागू किया जाए और इसीलिए उन्होंने इसका ब्लूप्रिंट यानी कि प्लान तैयार करने को कहा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए नेशनल मिल्क डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया और कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, यानी दुग्ध क्रांति अब शुरू होने वाली थी। इसी दौरान गुजरात के सूरत, बड़ौदा, मेहसाणा, बनासकांडा और साबरकांडा जिले में भी खेड़ा की तरह कोऑपरेटिव डेयरियां बनी। 1973 में इन सबकी शीर्ष संस्था बनी गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी GCMMF। तो इस तरह से देखें तो एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी ने देश को दुनिया भर में सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर बना दिया। आपको अमूल और कुरियन का इंडिया का डेवलपमेंट में कितना बड़ा रोल लगता है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।